जय माता दी। दोस्तों, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली का शुभ पर्व आने वाला है और लोग अभी से इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। दिवाली से पहले लोग अपने घरों की अच्छे से सफाई करते हैं, दरवाजे दीवारों को चमकाने के लिए रंग पेंट करवाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, दिवाली की सफाई में घर से कुछ चीजों को निकालना बहुत जरूरी होता है। कुछ अशुभ चीजों के घर में रहने से माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और हमेशा धन की कमी रहती है। रुकी हुई घड़ी। घर में रुकी हुई घड़ी का होना भी वास्तु शास्त्र में अशुभ बताया गया है। घड़ी को सुख और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में कोई टूटी या बंद घड़ी है तो उसे दिवाली से पहले घर से हटा लेना चाहिए। टूटा हुआ फर्नीचर। घर में टूटा हुआ फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी या टेबल जैसी चीजों को भी बाहर कर देना चाहिए। घर का फर्नीचर हमेशा सही स्थिति में होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार खराब फर्नीचर का घर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। टूटे बर्तन। घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। इस दिवाली आप अपने घर से टूटे हुए या चटके हुए बर्तन बाहर निकाल दें। टूटे बर्तनों को घर में रखना बहुत अशुभ माना जाता है। टूटी मूर्तियां। घर में भगवान की टूटी मूर्ति बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्तियां घर में दुर्भाग्य बढ़ाने का काम करती है। सफाई के बाद भगवान की नई मूर्ति घर के मंदिर में स्थापित करें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। टूटा कांच। घर में टूटा हुआ कांच रखना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में खिड़की बल्ब टूटा हुआ है तो दिवाली की सफाई में उसे बाहर कर देना चाहिए। कांच की टूटी हुई चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। बिजली के उपकरण। अगर आपके घर की बिजली के उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट या पावर स्विच खराब है तो इन्हें बाहर कर देना चाहिए या ठीक करवा लेना चाहिए। दिवाली के समय अंधेरा अशुभता का प्रतीक माना जाता है और इसका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जूते चप्पल। अगर आपके घर में खराब या फटे पुराने जूते चप्पल हैं तो दिवाली की सफाई करते समय उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। फटे जूते और चप्पल घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य लाते हैं।